हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल लॉजिकल थिंकिंग 1, 2, 3। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने 6th क्लास का एनसीईआरटी बुक्स मैथ स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हमारी 3rd क्लास है और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। व्हाट यू मीन बाय दिस, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितने तरीके से कितने नंबर बना सकते हो। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट नंबर नहीं दिया मिलेगा, अलग अलग नंबर, छोटे छोटे नंबर दिए मिलेंगे, मतलब 1 डिजिट का नंबर दिया मिलेगा, कॉमा लगा लगा के उनसे आपको नंबर बनाना है। कैसे, मान लो 3, 0, 2, 1, यही एक नंबर दे दिया आपको, एक नंबर नहीं है, 4 नंबर है, कोमा लगे, अलग अलग नंबर हो गए, 3 है, 0 है, 2 है और 1 है। अब आपसे पूछा गया है कि आप इससे कितने नंबर बना सकते हो, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इनको मिला करके सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर बना के दिखाओ। ठीक है, किसी तरह से भी आपको नंबर पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ पहला पढ़ते हैं कि इसमें सबसे छोटा और बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि सबसे बड़ा नंबर मीन्स लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर, यही देखने वाला है। ठीक है, लार्ज नंबर क्या होता है, बड़ा नंबर मीन्स हमें इनमें से, अब बड़ा नंबर क्या होता है, जो जिसकी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वही सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेस पर इस यहाँ डिजिट हो वो कौन सी डिजिट होनी चाहिए, इनमें से सबसे बड़ी डिजिट होनी चाहिए, 3, 0, 2, 1 कौन सी बड़ी डिजिट है, पता है कि 3, 0 तो छोटा है, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 मीन्स लास्ट में कौन आया, 3, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, अब इसको बोल जाओ, अब हमारे पास नंबर बच गया 3, कितने नंबर बच गए, 3 नंबर, 0, 2 और 1। अब इनमें से तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 2, वो होगा लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे। ठीक है 2 भी गया कैंसिल, अब हमारे पास बच गया सिर्फ 2 नंबर, 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 है बड़ा, 1 है, पता है आपको, पता है 1 सबसे बड़ा नंबर एंड सबसे छोटा नंबर 0, मीन्स इन सभी चारों डिजिट्स को मिलाकर हमने सबसे बड़ा नंबर बनाया है, और सबसे बड़ा नंबर क्या बन गया, 3210। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्हीं डिजिट को मिलाकर हमें बनाना है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है अब मैम हमें दिख रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर, सॉरी सबसे छोटा जो डिजिट है, सबसे छोटी डिजिट है वो है 0, बट आपको पता है अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 0 और 1 और 1 और 0, क्या इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है 0 और 1 और 1 और 0 में, काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि 1 के आगे 0 लगने से, राइट साइड में 0 लग जाने से वो नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस साइड 0 अगर लेफ्ट में लगती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर उसका मतलब कब नहीं होता, अगर इस 0 के साइड में अगर कोई और नंबर नहीं है तो। ठीक है, मान लो ये है 23, अगर इसको 0 लगा दो, कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ये सिर्फ डिजिट हमारे क्या रहेगा, 23 ही रहेंगी, नंबर हमारा 2 डिजिट का ही रहेगा, 4 डिजिट का नहीं हो जाना है कि यहाँ 4 या 5 डिजिट का होगा, 3 0 लगा दे 5 डिजिट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस 0 से का कोई मतलब नहीं होता है अगर ये 0 हमारे लेफ्ट साइड में लगे होते हैं तो, ओनली 0 है तो। ठीक है, ये मत कह देना कि यहाँ पर अगर मैंने 2 लिख गया तो ये तो एक पूरा नंबर बन गया, 201 नंबर बन गया ये तो, लेकिन यहाँ अगर कोई भी नंबर नहीं है और ओनली 0 है तो आप कितने भी 0 लगाते चलो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये सिर्फ 1 ही डिजिट है, 1 ही डिजिट का एक नंबर है और वो है 1। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं अगर यहाँ लगा के देखती हूँ 0, 1, 2 और 3, अगर मैंने मान लो ये लगा के देखा है तो आप देख रहे हो ये कितने डिजिट का नंबर बन गया, 1, 2 और 3, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट, 4 के 4 डिजिट यहाँ आने चाहिए,
इसका मतलब हम यहाँ जीरो यहाँ नहीं लगाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वन एंड यहाँ हो जाएगा टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। इस तरह से बनाना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जीरो आ जाए तो उसका क्या किया जाए, ठीक है। जीरो वाले में दिक्कत होती है, अगर बाकी कोई भी नंबर दिया होता है तो हम आसानी से अरेंज कर देते हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्मॉल और ग्रेटर नंबर इजीली बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और मान लो एग्जाम्पल दे के दिखाती हूँ। मान मैंने दे दिया 9, 2, 0 एंड 0, सॉरी 8, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर नहीं है, चार नंबर, 2 0 आ गए, ठीक है। अब इनमें से मैं लार्ज एल से लिखती हूँ, लार्ज नंबर, समझ जाना, ठीक है। एल फॉर लार्ज नंबर एंड एस फॉर स्मॉल नंबर, ठीक है। तो इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है, 2 0 0 0 0, पता है हमें सबसे स्टार्टिंग में होते हैं 0 0, सबसे लास्ट में आते हैं, लास्ट में नहीं आते हैं, शुरू में आते हैं बिल्कुल, ठीक है। सबसे छोटा नंबर होता है 0, ठीक है। अब 2, उसके बाद 2 आता है, 8 सबसे लास्ट में आता है, 8 एक बड़ा नंबर है। तो लार्ज नंबर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 8 एंड देन 2, क्योंकि 0 सबसे लास्ट में आनी है, 2 एंड देन कौन सी भी 0 आगे की चली गई, सेम है, ठीक। अब हमारा आता है स्मॉल नंबर, ठीक है। स्मॉल नंबर में फिर से भाई एक बार 0 को भूल जाओ, 0 को भूल करके ये देखो उसके बाद 0 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 के बाद, इनके बाद, इनके 2 और 8, 2 और 8 में पता चल सकता है कि 2 छोटा है या 8, 2 छोटा है तो पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद 0 यहाँ शामिल करो, ठीक है। उसके बाद 0 यहाँ लगाओ, 0 0 एंड 8, 2008 जैसे कि हमारे डिजिट अरेंज की गई है वही नंबर बन गया 2008 एंड सबसे लार्ज नंबर है 8200, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।